जो पैलेस लकड़ी का बना था, और ये मैं बोलूँ सारा का सारा पैलेस जल गया था, को फिर से बनाया गया था गल हिंदू कौतिक राजपुताना स्टाइल में दोबारा से। इसको बनने में लगे 15 साल। 200 किलो सोने का सिंहासन। इस महल में जलते हैं 92,000 बल्ब्स। वो प्लेस है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस। जिस पैलेस के अंदर ही, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, उस पैलेस के अंदर ही 12 मंदिर है। एक और दिन नमस्कार सभी को हमारी तरफ से आज बहुत बहुत निगी निगी सुबह ही। मान लो कि हमें बहुत पहले चलना था और फिर से हम लेट हो गए। yes. कोई बात नहीं, लेट लेट कहाँ पे लेके जाएंगे, ये साथ चलिए। आपको सड़कें दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं, उसकी इमारतें दिखाते हैं, बट एनीवेज जो नहीं गए वो हमारे साथ चलिए, हम लेके जाते हैं। जरूरी काम उससे पहले कर लेना, सब्सक्राइब बटन इधर कहीं तो है, दबा दो। Yes, कुछ ज्यादा लगता नहीं है जोर उसमें, बस एक क्लिक की, एक क्लिक किसी को कितनी खुशी दे सकती है। इधर उधर क्लिक मारते रहते हैं, आंखें बंद कीजिए, सब्सक्राइब पे कर दीजिए। मैसूरू एक्सप्रेस हाईवे की बात तो है, यहाँ तक पहुँचना बेंगलोर वालों के लिए ना वो बड़ी दिक्कत है, और गूगल मैप पे तो भरोसा करना ही मत। वो तो मुझे लिटरली लगा था कि अभी मैं 2 किलोमीटर आगे और पंजाब आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे गांव में से लेके गया ना मुझे अंदर, इतनी टूटी सड़कें, गाँव से भरा हुआ रास्ता। हमने बताई दी हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, आपको लेके जा रहे हैं इस बार हम मैसूरू, 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 मैसूर का जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली पता ही है लोगों को, कर्नाटक की बहुत सुंदर एक और सिटी बेंगलुरु के बाद, बाकी तो बाकी सारी ही हैं। हम सड़क पे ही घूम रहे हैं दोस्तों। बनिए रहे हमारे साथ, आज नहीं तो कल हम जरूर पहुंच जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे चलते चलते आपको हैप्पी दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर भी बोल दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैसूर हम लेके जाएंगे। पैसे जो लिए हैं, पैसे नहीं, सब्सक्राइब का लिया है आपसे, वो एक सब्सक्राइब जिम्मेदारी ली है हमने। डाउट कच्चे कच्चे हो गए मत बैठो, अगर नहीं किया तो कर दो। हाँ, कर दो भाई, कर दो। हाँ भाई, हाईवे बहुत सही है। वो बीच में हमें थोड़ा वो ना बहका दिया था किसी ने, चलो बच भी गए हमारे थोड़े टोल के पैसे, वो नीचे कहीं ले गए तो वहाँ पे थोड़ा टाइम खराब हो गया, बट वही हमने बचा लिया, हम रास्ते में नहीं रुके इतना। हाँ, तो ब्रेकफास्ट हम लेके आए थे साथ में। सीधे जाएंगे मैसूर पैलेस, ठीक है, वहाँ पे जाके, तो क्योंकि सुबह सुबह हो जाए तो, क्योंकि उसके बाद भीड़ होनी शुरू हो जाती है, और शाम को तो, क्योंकि वहाँ पे शाम को वो सारे बल्ब चला देते हैं, वो जो मैंने बोला था ना 95,000 जितने भी हैं, तो वो सारे बल्ब चला के 5-10 मिनट। हाँ, व्यू वो तो देखने वाला होता है, बट पता नहीं, बट हाँ, अगर किसी को वहाँ पे 2 दिन घूमना है तो, क्योंकि फिर वही आना है आपको वापस, एक दिन की ट्रिप में नहीं हो पाता है। हाँ, कर भी सकते हो अगर आपको रात की वो हाई बीम से अगर टेंशन नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं है चलाने में रात को, तो आप मुझे 3-3 लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। और फाइनली मित्रों, फाइनली पहुंच ही गए। कितने लगे हमें घंटे? 4 घंटे। 3-4 नॉवल दुनिया को 3 घंटे लगते हैं, हमें लग गए 4। नहीं सर, यहाँ से अभी लेंगे टिकट और फिर जाएंगे अंदर।
नहीं, अडल्ट की 100, चिल्ड्रन की 50 है, मेरी तो 50 ही लगेगी। इनकी 100 लगेगी। और टिकट हमारी ले ली गई है, और ये रहा हमारा मैसूर पैलेस। बहुत जैसा कि बोला गया था, 14 टेम्पल, और एक तो पीछे ही है, और एक वो पीछे, अगर दिखेगा तो वो पीछे। और ये रहा हमारा भव्य, बहुत ही सुंदर, अलौकिक, क्या मैसूर पैलेस। पहला स्टॉप था हमारा मैसूर पैलेस का। अंदर से देखते हैं, लाइटिंग तो होगी शाम को, अभी ऐसे देखना पड़ेगा। भीड़ थोड़ी पता नहीं ज़्यादा है कि कम है, इतना समझ आ नहीं रहा मुझे। मैं खुश हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। इनकी अलग खुशी है, मौसम, मुझे ये खुशी है कि मैं पहुँच गया। मुझे पक्का लग रहा था ये कोई मैसूर पैलेस ना, कोई तो रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे, ये उसका बताता जा रहा हूँ। नेविगेशन पे मैंने लगाया था फोन, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने 2-3 बार स्पेलिंग चेक किए, ये कौन सा मैसूर डाला इन्हें। जब भी मैं कुछ करती वो ब्लंडर जरूर होता है फालतू में। मुझे लगा ये कुछ तो इन्होंने MASOR मसूर डाल दिया है, और वो कहीं तो मसूर जो आ ही नहीं रहा, 3 घंटे हो गए हमारे। उतारने तो पिछले पहली बार आया था, मुझे पता नहीं बेहोश करके लेके आए थे यहाँ पे, वो कुछ नहीं याद मुझे। चलो देखो शूज उतार ही लेते हैं। बच्चों के ठाट बाट देखे हैं, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है अंग्रेज क्या ले गए हमसे। ये सारे, ये मुझे पता, ये सारे चंदन के हैं, जितने भी बॉक्सेस है ना, चंदन हमारे घिसने के काम नहीं आता। ये वो उसमें संदेशा भेजते होते थे ना कि किसी को भेजना है अगर शुभ समाचार, ये वो चंदन के बॉक्सेस उसमें।
बंदा कॉन्वर्सेशन ही ना तैयारी रखे, बंदी ना करे कॉन्वर्सेशन, कि जैसे वो उसने भेजा कि अच्छा ऐसा हुआ बधाई हो, फिर वो बोल दे अच्छा समझ नहीं आया, फिर चंदन का बक्सा भेजे बधाई हो, ठीक है अच्छा अच्छा फिर ठीक है और बताओ आपको भी बधाई हो, हमने कलेक्ट करते रहे, कॉन्वर्सेशन ख़त्म ना होने दो। वो सिल्वर वाले भी वड्डे लोग वड्डियाँ चीज़ा साढ़े तो दिक्कतियाँ तो आ गए हूँ, समझ नहीं आ रहा अमीर हो रहे हैं कि गरीब हो रहे हैं। बच गए हैं 12:30, कोई डेढ़ घंटा लग गया ये सारी सर्कस में, कोई लेते हैं चप्पलें यहाँ से। गर्मी तो हमारे तो इधर गर्मी नहीं होती थी, आज बाहर आके पता लगा कि बड़ी गर्मी है, इसीलिए उमस ही है। एटलीस्ट मौसम देखने के लिए ऑफिस जाना चाहिए, इतना भी नहीं घर पे बैठे रहो, घर पे अंदर से लगता है सब ठीक ही है बाहर।
है, लग तो क्लाउडी क्लाउडी रहा है, बड़ा सोना है।